மார்னிங். அப்போ எடுக்கிறேன். குட் மார்னிங், குட் மார்னிங். அனேஷ் அப்புக்கோ ஹாய். ஹாய் सो अभी करीबन बज रहे हैं 9:45। अरहानिया मेरी उड़ गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाय हनी, हाय हाय। हनी आप बहुत अच्छे हो। चले हम ब्रश करें, ब्रश करेंगे, बाथरूम जाएंगे, फ्रेश होंगे। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। मेरा बेटा उड़ गया है। अच्छा पिल्लो सही करेगी मेरी बेटी। अब हम पिल्लो पीछे रखते हैं। कंबल भी सही करती हैं आप। ब्रश करोगे आनिया? लाओ मम्मा को ब्रश दो, लाओ बेटू मम्मा को ब्रश दो। चलो ब्रश करने चलते, चलो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आपने देखा सुबह सुबह हानिया उठ गई हैं, तो यहाँ पे मैं हानिया को लेके आई हूँ ब्रश कराने। तो यहाँ पे वो ब्रश कर रही हैं, माशाल्लाह वो बहुत अच्छे से ब्रश कर लेती है। और उसे गागल करने भी आता है, और उसे मतलब ब्रश करके वो कुल्ली करने भी आता है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे मैं चीकू का टूथपेस्ट यूज़ करी, जो कि बच्चों के लिए होता है। उसके अंदर वो सल्फेट नहीं होता, जो कि बच्चों को मतलब हम जैसे बड़े करते हैं ना कोलगेट वगैरह, तो हमारे ज़ुबान पे लगती है, तो बच्चों को वो सब नहीं लगता है। तो बहुत ही सेफ़ है, आप चाहें तो चीकू का भी ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है। तो ये मैं मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो ये बच्चों के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ हानिया के लिए। तो अभी हानिया 18 मंथ की है, टॉडलर है, तो उसे काफ़ी मज़ा आता है। वो मेरा देखती मैं ब्रश करती हूँ, तो सोचती मम्मी भी करती है, मैं भी करती हूँ, सेम मेरे जैसा ही वो भी करती है। उसके सामने मैं ब्रश करती थी, मेरा कॉपी करती है, मैं भी जैसे कुल्ली करती है वो भी वैसे ही करती है। और यहाँ पे हम हंसी मजाक करते रहते हैं। थोड़ा टाइम लगता है हानिया के पीछे, करीबन मुझे सुबह उठ जाती थी, करीबन मुझे आधा घंटा या पौना घंटा लग जाता है। उसका पूरा फ्रेशन अप करो, बाथरूम लेके जाओ, ब्रश कराओ, उसका मतलब डायपर वगैरह सब कुछ चेंज करो, तो ये सब टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं हानिया का मुंह अच्छे से धुला दी हूँ, और रात में मैंने उसे काजल लगाया था। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। काजल वैसे लगाती नहीं मेरी बेटी जल्दी, लेकिन यहाँ पे मैंने ज़बरदस्ती लगा दिया था। उसके बाद मैंने लोशन वगैरह लगाया है, स्किन ड्राई हो जाती है ना इसकी वजह से। उसके बाद यहाँ पे मैंने हानिया का अच्छे से बाल कोम कर लिया है। कुछ भी जल्दी नहीं कराती, ठीक है। अगर आपके पास कोई टॉडलर है तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे कुछ भी जल्दी नहीं कराते। तो यहाँ पे हानिया का एक फेवरेट मोबाइल है, जो कि ये बाबी मोबाइल है, तो वो हमेशा अपने गले में टांग के रहती है, टूथपेस्ट भी अपने साथ ही दिए रहती है हर वक्त। तो यहाँ पे मैं मस्ती कर रही हूँ, हानिया तुम्हारा कॉल आ गया, तुम्हारे अब्बू का कॉल आ गया है। तो यहाँ पे हानिया का हो गया। उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ, हानिया के बॉटल्स बॉयल करती हूँ। तो यहाँ पे हानिया का पीने का पानी मैंने गर्म कर लिया है, उसे दे दूँगी। यहाँ पे मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में ना सैंडविच बना, जैसे आप देख रहे हैं ब्रेड है यहाँ पे, सारे मैंने खीरा टमाटर प्याज सब कुछ कट कर लिया है। दूध भी इसका ऑलमोस्ट यहाँ पे गर्म हो चुका है, और साइड में थोड़ा सा और दूध गर्म कर रही हूँ और चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा हानिया का होता है वो है, मैं उसे दूध देती हूँ, जो कि वो दूध पीना ज़्यादा पसंद करती है मॉर्निंग में। और अगर मैं उसे कुछ भी खिलाऊंगी ना, वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। सबसे पहले उसे दूध ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उसे दूध पिलाती हूँ, और थोड़ा बहुत मस्ती करती रहती है। तो टाइम जो सुबह का ना ऐसे फटाफट भागता है, मुझे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सुबह उठो हानिया के पीछे लग जाओ, फिर उसे बैठ के दूध पिलाओ। काफ़ी स्लो भी दूध पीती है, आराम आराम से। अब मुझे मेरे गोदी में ही पीती है, नहीं कि उसको दे दे तो वो पिएगा, ऐसा नहीं, मेरी गोदी में बैठ के पिएगी। तो दूध पिला के हो गया। यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट में यहाँ पे सैंडविच बना दिया, जो कि मेरे घर में सबको बहुत ही अच्छा लगता है सैंडविच खाना। और यहाँ पे मैंने हानिया के लिए ना काफ़ी टाइम हो गया था, खाने के लिए एक्रम बना रही। यहाँ पे मैंने अंडा ले लिया, अंडा में थोड़ी सी काली मिर्च डाली है पाउडर, और नमक डाल के अच्छे से मैंने इसे यहाँ पे थोड़े से तेल में से पलट लिया है। और यहाँ पे सिर्फ हानिया को ऐसे सादा मतलब अंडा खिलाती हूँ, क्योंकि अभी हानिया को थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी हो गया था, खांसी वगैरह भी आ रही, जिसकी वजह से मैं इसको थोड़ा अंडा खिला रही हूँ, और बहुत ही हेल्दी भी होता है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हानिया खेलते खेलते अपना नाश्ता करते रहेंगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा। और अगर मैं कुछ और खिलाती हूँ ना हानिया को, तो वो नहीं खाती हैं, अंडा वगैरह जैसे सेरेलैक से सब खा लेती है, तो अच्छे से वो खा रही है। अभी उसका मूड था खेलने का खाने का, इसलिए खा रही है। अदरवाइज़ बहुत टाइम लगाती खाने में, बहुत यहाँ वहाँ भगाएगी तब जाके खाएगी। तो माशाल्लाह से अभी वो खा रही है, इसलिए मैं वीडियो भी बना ली थी यहाँ पे। पानी भी गिलास से ही पीती है, सिपर से नहीं पीती, क्योंकि अंडा महकने लगता है। तो इसलिए मैं उसे अलग से गिलास देती हूँ पानी पीने के लिए, ताकि अगर वो अंडा महकेगा तो वो सिपर में नहीं महकेगा। वो दिन भर के लिए मैं साइड में रखती हूँ, अगर खाने को कभी प्यास लगती है ना, तो जाके खुद ही से उठा के वो पानी पीना स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं खुद भी नाश्ता कर रही हूँ घर में, हाने ने
नाश्ता कर लिया है, सब ने नाश्ता कर लिया है, लास्ट में जब मेरी बारी आती ना तो यहाँ पे हानिया को कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कभी उसको पॉटी आ जाती है, कभी वो कुछ लेके यहाँ वहाँ भाग रही है। अभी इसने हाथ में मेडिसिन ले लिया है तो अब मैं उसके पीछे भागूंगी, फिर वो रोएगी, फिर मैं लूँगी, तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो संडे का दिन था तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज कुछ नॉनवेज बना दो। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए थे बाहर मटन लाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने चावल फटाफट बना लिया है। और यहाँ पे मैं है ना, हमारे यहाँ कहते हैं दोस्ताना रोटी, तो यहाँ पे वो भी रेडी हो गया है 1:15 बजे तक खाने के लिए। यहाँ पे मैंने सादा एक रोटी बना लिया क्योंकि मैं आज उसको दोपहर में दाल रोटी खिलाऊंगी। मतलब रोटी को अच्छे से मीच के और उसके अंदर दाल डाल के उसको खिलाऊंगी। तब आप देख रहे हैं कैसे एकदम सफ़ेद था और कैसे ब्राउन ब्राउन हो गया है, चावल भी हो गया है। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, यहाँ पे गोश्त लेके आए, उसको साफ़ करने लगा दी। यहाँ पे हानिया का दाल बना रही हूँ, तो दाल यहाँ पे बहुत सिंपल बनाऊंगी। दाल में मैंने हल्दी, नमक और यहाँ पे लहसुन, थोड़ी सी मिर्ची और टमाटर डाल के मैं इसे मतलब अच्छे से बना लूँगी, उबाल लूँगी, कम से कम 4 से 5 सीटें लगा दूँगी। बाद यहाँ पे मैंने ना मटन कोरमा बना रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे खाने में। यहाँ पे मैंने सारे मतलब जो खड़े मसाले जैसे आपने देखा वो डाल दिया है। यहाँ पे मैंने प्याज कट करके बारीक डाल दिया, तेज़पत्ता डाल दिया है। जब आपका प्याज ब्राउन हो जाए ना उसके बाद यहाँ पे मैंने मटन डाल दिया है। और यहाँ पे ना मटन मतलब ज़्यादा था और ये मतलब कुकर मेरा छोटा पड़ गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, इसमें सबसे पहले सारे पाउडर मैंने मिला दिए, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक सारे डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना मैंने इसे सीटी लगा लिया है। उसके बाद इसका अलग से मैं ग्रेवी बनाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने हानिया का दाल हो गया तो उसे मैं तड़का लगा रही हूँ, जीरा और लहसुन का तड़का लगा रही हूँ। तो यहाँ पे घी में मैं तड़का देती हूँ, तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को थोड़ा बहुत घी देना, उनके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे ना चिकन भी हो गया था, मतलब सॉरी मटन भी हो रहा था साइड में। तो यहाँ पे हमारी जो नेबर है शैरिश वो भी आ गई थी, संडे का दिन था तो हानिया उनके साथ खेल रही थी। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा जाता है, जब शैरिश आती है ना थोड़ा बहुत हानिया को साथ मतलब खेलती हूँ, थोड़ा टाइम मुझे मिल जाता है, वरना बहुत सताती है वो। तो यहाँ पे मेरा है ना मटन बॉयल हो गया था, अच्छे से पक गया था। तो यहाँ पे ना मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है, थोड़ा प्याज ले लिया है, काजू ले लिया है, दही ले लिया है, इन सबको पीस के ना मैंने यहाँ पे डाल दिया है तेल में। तो ये मैं मटन कोरमा बना रही हूँ उसकी रेसिपी है। यहाँ पे मैंने अलग से जो मेरे ग्रीन कलर मसाला देख रहे हैं उसमें ना प्याज था, अदरक था, लहसुन, मिर्ची था, ये सब मैंने साइड में पीस के रख लिया था। यहाँ पे मैंने एक टमाटर डाल दिया है। इन सबको अच्छे से डाल के मैं तो स्लो फ्लेम पे बनाऊंगी, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और यहाँ पे चिकन मटन का जो भी आपके पास मसाला हो वो डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने वो भी डाल दिया है, नमक स्वाद अनुसार। ध्यान रखिएगा कि आपने मटन में भी नमक डाला है तो इसमें भी जब आप नमक डालेंगे ना तो मतलब बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्लो फ्लेम पे रख दूँगी, पकेगा धीरे धीरे पकेगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे ये मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ करेंगे ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मेरे पास नहीं था इसलिए यहाँ पे मैंने सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है। इन सबको मैं अच्छे से बना लूँगी। जब मसाला आपका ऊपर से तेल छोड़ देगा ना तो यहाँ पे जो आपका मटन हो गया था ना वो डाल दीजिए, गोश्त अच्छे से उन समय मिला दीजिए, बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा, ठीक है। पानी डालेंगे ना तो उसका टेस्ट अलग ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है और इसमें अच्छा खासा तेल था और अच्छे से तेल भी आ गया था। तो यहाँ पे मैंने जो प्याज मैंने जो फ्राई करा था ना तो यहाँ थोड़ा सा निकाल लिया था। ऊपर से अगर आप प्याज डालेंगे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। यहाँ पे दो मैंने मिर्ची ऐसी लंबी कट करके डाल दी थी और धनिया भी डाल दिया था। सच माने मतलब इतना टेस्टी बना था, मेरे हस्बैंड कह रहे थे बहुत ही मज़े का बना था, थोड़ा डिफरेंट मतलब ग्रेवी का जो टेस्ट ना बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि जो वो मसाला मैंने पीसा था ना प्याज का और अरे काजू और दही उसका टेस्ट ही अलग था। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जब प्याज है ना यहाँ पे चावल के ऊपर भी डाल दिया, बहुत ही अच्छा लगता है सालन के साथ खाने में। ये जब आप ऐसे ग्रेवी बनाए ना उसके साथ नान ज़रूर रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने रोटी बना लिया था, यहाँ पे सलाद वलाद मैंने काट कर फ्रिज में रख लिया था। अब बर्तन वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, सब मैंने वॉश कर लिया। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे हानिया की बारी आ गई, तो हानिया की जो रोटी मैंने बनाई थी ना उसको अच्छे से मैंने ना मिक्सर में पीस लिया था, बहुत ही बारीक हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने दाल गरम गरम डाल के उसको ले जाके खिलाऊंगी। जब दाल गरम इसके अंदर डालेंगे ना तो बहुत अच्छे से वो पिघल जाता, तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शैरिश को भी दिया था चखने के लिए, तो शैरिश बोल रही थी बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो यहाँ पे मैंने हानिया का थोड़ा सा हाफ बदन नहला दिया था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि सर से नहलाओ, फिर मतलब सर भी उसका जो बाल सूखने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने उसे हाफ बदन नहला दिया था और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसका कपड़ा पड़ा पहना के बाल वाल बांध दिया। माशाल्लाह 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 मेरी बेटी बहुत ही प्यारी लग रही है, पोनी टेल में जैसी आप देख रहे हैं। वहाँ पे सैरिश खा रही हैं, आने दिखा रही थी वहाँ पे सैरिश खा रही, तो मैंने कहा आप भी खा लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा दाल सूख गया है, काफ़ी टाइम हो गया था ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया था।
बहुत नखरे दिखाती है मेरी बेटी, खाने में बहुत नखरे दिखाती है, मतलब यहाँ वहाँ भागेगी, पकड़ के खिलाओ, मतलब ये खा लो, वो खा रही है, सरिश खा रही है, अबू खा रहे हैं, मतलब सबको नाम ले लेके खिलाना पड़ता है, कभी कबूतर खा रहा है, जल्दी नहीं खाती है, मतलब उसे ना ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती, उसे मीठी चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। यहाँ पर अभी ये डेली का हो गया कि मेरे को हानिया को ना टेरिस पर ले जा के खाना खिलाना पड़ता है, तो मैं डेली लेके जाती हूँ उसका खाना, टेरिस पर उसे ले जा के खिलाती हूँ, तो यहाँ वहाँ भागती है, तब उसके पीछे पीछे मैं जाती हूँ खिलाती, तो हमारा मेरा जो आधा से ज़्यादा पूरा टाइम पास ना पूरा दोपहर का, कम से कम 3 साढ़े 3 तो ऐसे ही हो जाते हैं, मतलब 3 तो बज जाते हैं हानिया के पीछे ही पीछे। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ वहाँ घूम रही है, जैसे सैरिश भी आई है, उनकी छुट्टी है तो वो भी साथ साथ में है, तो यहाँ पे हानिया ने खाना खा लिया है, ऑलमोस्ट उसका खाना खा के हो गया है। जब वो खाना खा लेती है तो मुझे इतना अच्छा फील होता है ना कि हाँ इसने खाना खा लिया, मतलब मैंने खाना खा लिया है ऐसा, मतलब बहुत सारे माओं को ऐसा लगता होगा कि हमारे बच्चे खाना खा लेते हमने खाना खा लिया। तो यहाँ पे बहुत लेट हो गया था, वैसे तो हानिया 3 बजे तक आती है और सो जाती है 3:30 बजे तक, यहाँ पे 3:30 बज गया था, लेकिन हानिया थोड़ा लेट हो गया था, तो यहाँ पे मैं उसको सुला रही हूँ, माशाल्लाह वो अपने हाथ से ही दूध पकड़ के पी लेती है, लेकिन कभी कभी मैं पकड़ के पिला देती हूँ। तो यहाँ पे हानिया माशाल्लाह सो गई हैं, जब सो जाती है ना तो 3:30-4 बजे तक मुझे रिलैक्स फील, तो फिर मैं जाके खाना खाती हूँ, ताकि शाम के 7 बज रहे हैं, हानिया उठ गई हैं, उसके बाद उनका नाश्ता पानी हो गया, और यहाँ पे मैं भुट्टा लेके आई थी, भुट्टा खा रही थी, यहाँ पे हानिया को मैं नाश्ते में सेरेलैक्स दे रही हूँ। उसके बाद इनके अबू बोले चलो हम लोग चलते हैं गार्डन में, थोड़ा घूम के आते हैं। हानिया को भी गार्डन में घुमाना था, उसे भी बड़ा मज़ा आता है बाहर जाना, बाइक पर घूमना, जैसे आप देख रहे कितनी मतलब इतनी खुश हो जाती है ना वो जाने के लिए, अगर उसके अब्बू कहीं भी जा रहे हैं ना रोना स्टार्ट कर दिया, मतलब उसको अपने साथ लेके जाओ। तो यहाँ पे हम फटाफट जा रहे हैं और करीबन 7:30 बज रहा था, तो यहाँ पे हम एक गार्डन आ गए, जो कि नॉर्मली आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा ये वाला गार्डन, तो बहुत ही अच्छा गार्डन है, ऐसे 2 गार्डन से हम 2 गार्डन यही जाते हैं, आने को बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग बड़ी अच्छी है और बहुत अच्छा फील भी होता है। तो यहाँ पे हानिया आ गई हैं गार्डन, जैसे ही गार्डन आती है ना उनका मतलब एकदम मूड एकदम अच्छा हो जाता है, बहुत खुश हो जाती है, यहाँ वहाँ भागती है अपने अब्बू के साथ, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है हानिया को। सो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा मैंने आपको अपना सुबह से जो रूटीन शेयर किया है, ऐसा सेम हर रोज़ नहीं होता, हर दिन अलग होता है। बीच में तो हानिया बहुत ज़्यादा बीमार थी जिसकी वजह से मेरा रूटीन सब कुछ चेंज हो गया था, तो अभी माशाल्लाह माशाल्लाह अभी ठीक है, अभी मतलब इतना ज़्यादा कफ नहीं है। तो यहाँ पे हानिया का गार्डन में खेल वेल की हो गया था, जो भी था जितना भी टाइम था हमने चले ली, फिर हम बाहर निकल गए, थोड़ा बहुत मतलब बारिश का जैसे लग रहा था कि बूंदा बूंदी हो रही थी, इसलिए हम लोग जल्दी से निकल गए। उसके बाद हमें यहाँ पे आम लेना था, बहुत ही अच्छा लगता है हमें आम खाना, तो यहाँ पे बादामी आम था, नीलम आम था, तो ये दोनों ही लास्ट में बच गए थे, यहाँ पे हम लेके चले आए, घर पे आ गए थे, तो मुझे ना रात में रोटी भी बनानी थी, इसकी वजह से हम लोग जल्दी आ गए थे, 8:30 बजे तक आ गए थे अराउंड, तो यहाँ 8:30 बजे आए, उसके बाद में गई फटाफट रोटी बनाई, खाना गर्म करने लगाई थी, क्योंकि मेरे घर पे थोड़ा 9-9:30 बजे तक सब लोग बैठ जाते हैं खाना खाने, यहाँ पे मैं हानिया को लेके बैठती हूँ 9:15 तक, और उसके बाद मतलब घर पे लोग 9:30 बजे तक बैठ जाते हैं खाना खाने, तो 10 बजे तक हो जाता है आराम से सारा, मतलब बर्तन तन धो के 11 बजे तक सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ रहता है, जैसे कि इनके अबू के लिए काढ़ा बनाना है अगर इनको सर्दी है, और मतलब इनका बॉटल वगैरह धोना है, दूध वगैरह गर्म करना है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत चलती रहती है, जो कि 12:15 तक होता रहता है ये सब। तो यहाँ पे हानिया अपने रील्स देख रही हैं, उनको मैंने खाना खिलाने की कोशिश की लेकिन खाना नहीं खाया उन्होंने, तो वहाँ पे आम रस खा लिया उन्होंने, उसके बाद दूध पी लिया है, उसके बाद यहाँ पे वो मस्ती कर रही है। मेरा ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो गया है, और यहाँ पे हानिया अपने रील्स भी देख रही है, मेरे खुद की भी रील्स देख रही थी, यहाँ पे मस्ती भी कर रही हैं। तो ऐसे ही मेरा जो डेली रूटीन होता है ऐसा होता है। तो उसके बाद हानिया बेचारी आज गार्डन में बहुत चली थी, जिसकी वजह से उसके पैर की मालिश कर रही हूँ, और वो बिल्कुल भी मालिश नहीं कराती, जब भी तेल लेके बैठो ना तेल लेके तो खुद भी उसमें हाथ डालेगी या तो वो तेल गिरा देगी, मतलब कुछ करने नहीं देती है, अभी वो छोटी बच्ची है ना, मतलब यहाँ वहाँ भागती रहेगी, कभी इधर कुदरी कभी उधर कुदरी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उसके पैर दबाऊँ, उसके पैर की मालिश कर दूँ, क्योंकि बच्चों का पैर बहुत ज़्यादा दुखता है और फिर वो रात में रोते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत उसके पैर दबा देती हूँ, जो कि हर रोज़ नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन करती ही रहती हूँ, उसका पैर वैर दबा देती हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ हानिया थोड़ा बहुत दबवाएगी, कभी नहीं दबवाएगी, कभी उसकी बाद मस्ती करूँगी, तो ऐसे ही हमारा जो डेली का रूटीन ऐसे ही होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हानिया का लंच डिनर और ब्रेकफास्ट ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। सो यहाँ पे हम लोग रात में थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, और मतलब मैं हानिया के लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकालती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा दिन भर काम में टाइम चला जाए और हानिया का बचपन ऐसे ही निकल जाए, एक दिन मैं मतलब सोचूँ कि अरे हानिया कैसे बड़ी होगी मुझे पता ही नहीं चला, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हानिया सो गई है रात में। सो गाइज, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।